आईवीएफ की सक्सेस की एज सच कोई उम्र सीमा नहीं है। आईवीएफ में हम सक्सेस कर सकते हैं पेशेंट की कितनी भी उम्र हो जाए, बशर्ते कि वो मेडिकली फिट हो। और जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं वो हमें बोलते हैं कि 50 ईयर्स से ऊपर अगर वाइफ की एज है, मतलब इनफैक्ट वो एक ड्राफ्ट बना हुआ है ICMR में, अभी वो बिल बन के पास नहीं हुआ, वो हमें ये बताता है कि 50 ईयर्स तक वाइफ की एज होनी चाहिए एंड 55 यानी 55 साल की उम्र होनी चाहिए हस्बैंड की। पर अभी वो बिल नहीं पास हुआ, इसलिए हम बाकी जो एज के पेशेंट्स भी आते हैं उनका करते हैं। लेकिन यूजुअली जो बहुत उम्र दराज पेशेंट आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो बच्चा पैदा होगा उसको उसका वो पालन पोषण कैसे करेंगे, क्या उस बच्चे का सही रख रखाव हो सकता है कि नहीं। तो IVF के लिए एक एज लिमिट है, हम 21 साल से कम औरतों की IVF नहीं कर सकते हैं और 50 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों की IVF नहीं कर सकते हैं, एंड मर्दों के लिए ये समय सीमा 55 ईयर है। लेकिन जो औरतों की उम्र मेनोपॉज यानी महीना बंद होने के बाद होती है, उन केस में उनके अंडों का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है, बिकॉज अंडे वापस नहीं पैदा किए जा सकते हैं एंड उस केस में डोनर एग लगता है। तो कपल्स को ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए, मतलब ये उनको पता होना चाहिए कि अगर वो जितना उम्र करके हमारे पास IVF सेंटर पे आते हैं तो उनके खुद के एग्स मतलब खुद के जीन्स यूज़ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हस्बैंड का स्पर्म तो यूज़ हो जाता है लेकिन वाइफ के जो अंडे होते हैं वो नहीं यूज़ हो पाते हैं। तो ये चीज़ उनको दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अगर उनको मेनोपॉज हो गया, मीन्स अगर उनके महीने बंद हो गए हैं, तो अब उनका IVF नहीं हो सकता, यानी कि वो माँ नहीं बन सकती हैं। वो माँ बनने का सुख किसी भी उम्र में ले सकती हैं, लेकिन उनको मेडिकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ उनको, जो कपल्स हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये बच्चा पैदा करेंगे उसको ये अल्टीमेटली किस तरह से पालेंगे, उसकी अपब्रिंगिंग क्या होगी, क्योंकि बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई हो पेरेंट्स के एक्सेसिव ज़्यादा एज होने की वजह से। ये प्रश्न काफ़ी सारे कपल्स का होता है जो आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेनोपॉज हो गया तो अब यूट्रस ख़राब हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उनको मेडिकेशंस यानी हार्मोन्स दे करके उनकी यूट्रस का एज फिर से रिवर्स कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई भी वापस आ जाती है और प्रेगनेंसी हो जाती है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है।